अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस टाइम मैं पीछे राशि में मौजूद हूं और बड़ा ही खूबसूरत वेदर है यार। इस टाइम हम बादलों के बिल्कुल बीच में हैं और बादल ऐसे हमारे पाँव को छू के निकल रहे हैं एंड इट्स लवली वेदर हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय अ लॉट। और जब धूप निकलती है ना वो चुभती है, क्योंकि हम यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 9,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर आपको इर्द गिर्द नज़र आए तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ और यहाँ पे बिल्कुल बादलों के ऊपर हैं आप, बड़ा मज़ा आता है। और सामने आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, रिडार लगा हुआ है और आर्मी का एक बेस कैंप बना हुआ है यहाँ पे और फौजी भी है, तो बेस कैंप बना हुआ है एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। कभी धूप निकलती है और कभी बादल हो जाते हैं एंड हट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे 3-4 हट्स बने हुए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। और मैं आपको बताऊँ, सच्ची बात बताऊँ कि जब मैं नरान का गान गया तो उधर मुझे इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता नहीं लगा, या उधर मुझे ड्राइव करने का इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना मुझे ड्राइव करने का यहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर टाइप फीलिंग हुई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लवली वेदर। एंड मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर पीर चिनासी विज़िट करें। अगर आप मेरे इधर देखें ज़रा, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि नीचे आपको पहाड़ों के अंदर खाइयाँ और दरख्त और हर तरफ ग्रीनरी। इस टाइम जिस चोटी पे बादल हैं और बादल हमारे पाँव को छू के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरज अब निकल आया एंड लवली वेदर। बिल्कुल भी ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। और ट्रैवलिंग के लिए रिकमेंडेड है जी, आप ज़रूर पीर चिनासी आएँ, आई लव इट। एंड जो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो ये लगी कि फूड भी टेस्टी है, क्वालिटी का है। हमने चाय पी, हमने पकोड़े खाए, अंडे खाए और जो हमने खाना खाया, नाश्ता किया सुबह, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था मुजफ़्फ़राबाद में। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इतने अच्छे अंदाज़ में होंगी। और एज़ अ व्हीलचेयर वाला आप आ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जगह बड़ी हमवार है यहाँ पे, आपकी व्हीलचेयर बड़ी आसानी के साथ चलेगी। और जाहिर है गाड़ी के अंदर जब होंगे तो वो और बात है, लेकिन मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सो रिकमेंडेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।